उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियों, महंगाई, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, एनआरसी, सीएए के मुद्दे को लेकर हरदोई में सपाइयों ने जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जिले में धारा 144 लागू होने के बाद भी सड़क पर उतरकर नारेबाजी की। इस मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। जब प्रदर्शनकारियों का विरोध प्रदर्शन बढ़ने लगा तो आनन फानन में सपाइयों को गिरफ्तार कर पुलिस लाइन लाया गया। गिरफ्तार सिपाहियों ने जिलाध्यक्ष जितेंद्र वर्मा जीतू व सपा के पूर्व सांसद उषा वर्मा समेत सैकड़ों पदाधिकारी व कार्यकर्ता है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन को देखते हुए जिला कार्यालय पर पहले से ही भारी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई थी। हालांकि पुलिस ने कार्यकर्ताओं को सपा कार्यालय पर रोकने का प्रयास किया, लेकिन सपाई नहीं माने। सपा कार्यकर्ताओं ने कार्यालय से जुलूस निकाला। इस दौरान सपा नेताओं ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। आखिर सिपाहियों को गिरफ्तार कर पुलिस लाइन लाया गया। यहां से सपा के जिलाध्यक्ष जितेंद्र वर्मा ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा की सरकारें जबरन कानून ला रही है, लोगों की मनमर्जी के बिना ऐसे कानून थोप रहे हैं जिससे समाज और देश में बंटवारा हो। यहाँ पूर्व सांसद उषा वर्मा ने कहा कि आज इस सरकार में कोई भी सुरक्षित नहीं है। आज जनता परेशान है और जनता के कई सवाल सरकार से हैं, लेकिन जनता के सवालों के सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। सपाइयों ने भाजपा केंद्र पर प्रदेश सरकारों पर जमकर प्रहार किए। हरदोई से संवाददाता डॉक्टर शाहिद अली की रिपोर्ट। देखिए, जब केंद्र और बीजेपी की सरकार चल रही है, इस सरकार के लिए जनता के पास बहुत से सवाल है, लेकिन सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। महिला सुरक्षा, छात्र सुरक्षा, इसके अलावा जो नागरिकता बिल अभी केंद्र सरकार में जो पेश हुआ है और महंगाई जिस तरीके से बढ़ी है, ये सरकार में कोई भी सुरक्षित नहीं है। हम समाजवादी पार्टी के हमारे नेता, हमारे कार्यकर्तागण अपना ज्ञापन लेकर के हम डीएम साहब के पास जा रहे थे। हम लोग अपनी बात कहने जा रहे थे और लोकतंत्र में किसी भी पार्टी को धरना प्रदर्शन करने का अधिकार है, अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन हम लोगों को अपने ज्ञापन नहीं दिया जाने दिया गया, अपनी बात रखने नहीं दिया गया। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोगों का ज्ञापन नहीं दे रहा था इस सरकार के खिलाफ, तो उसने ज्ञापन ना लेकर के हम लोगों को यहाँ पर अरेस्ट किया गया। 44 धारा 44 भी लागू है, कैसे देखती हैं इसको, क्यों लागू की गई धारा 44? अब धारा 44 ये लगाया गया है जिससे जब कोई अपनी बात ही ना कह पाए, जब जनता अपनी बात ही नहीं कह पाएगी, कोई पार्टी अपनी बात नहीं कह पाएगी और ये सरकार तो डरी हुई है, इसीलिए धारा 144 लगा दिया कि कोई अपनी बात नहीं कह पाएगा, कोई ज्ञापन नहीं दे पाएगा, कोई जनता, लेकिन जनता जो है जिस तरीके से आज सड़कों पर आई है इस सरकार के खिलाफ, विशेषकर सुरक्षा को लेकर के, महिला सुरक्षा को लेकर के, आज महिला सुरक्षित नहीं है, जिंदा महिलाएं लड़कियां जलाई जा रही हैं, अपने स्कूल कॉलेज जाने के लिए लड़कियां डर रही हैं, और जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, इस महंगाई के विरोध में आज पूरे उत्तर प्रदेश की जनता उतर आई है। अच्छा, मौजूदा पूरे उत्तर प्रदेश में 144 धारा का आदेश लागू है, जनपद हरदोई में भी पृथक से उसका आदेश किया गया है, और किसी भी तरीके के रैली जुलूस धरने प्रदर्शन के लिए बिना अनुमति के कोई अलाव नहीं था, और समाजवादी पार्टी के द्वारा कोई भी अनुमति प्राप्त नहीं की गई थी। उनके द्वारा इस तरह का एक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था जिसके क्रम में लगभग 100 आदमी इकट्ठा थे जिनको गिरफ्तार करके यहाँ पर पुलिस लाइन में रखा गया। प्रदर्शन उत्तर प्रदेश और देश की अत्याचारी और तानाशाही सरकार के खिलाफ था, जिनकी सरकार में किसान, महिलाएं सभी परेशान हैं, पूरे देश की जनता परेशान है। लगातार महिलाओं की हत्या, बलात्कार हो रहे हैं, कहीं एनआरसी ला रहे हैं, कहीं सीएबी ला रहे हैं, ऐसे कानून ला रहे हैं जिससे देश की जनता को तोड़ा उफोड़ा जाए। आज पूरा देश जल रहा है, ऐसे कानून ये लोग जबरन देश की जनता पर थोपना चाहते हैं उनकी मनमर्जी के खिलाफ। लगातार वकीलों की हत्या हो रही और लगातार पुलिस जो सुरक्षित नहीं उनकी हत्याएं हो रही, महिलाएं जिंदा जलाई जा रही हैं, किसानों का पेमेंट नहीं हो रहा गन्ने का, यानी किसानों की उपज का मूल्य उन्हें नहीं मिल रहा, सब जगह इन लोगों की दलाली चल रही है। पूरी सरकार जो करप्शन में लिप्त है, पूरी सरकार जो है जनता को जो उनकी राहत देनी चाहिए वो नहीं दे रही, इसको लेके हम लोगों धरना प्रदर्शन राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पे किया था जनहित की मांगों को रखने के लिए, लेकिन जिला कार्यालय पर जिस तरीके की बर्बरता, आज पुलिस ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं को जबरन घसीट के गाड़ी में डाला गया, हजारों कार्यकर्ताओं को लाठी फटकार के वहाँ से भगा दिया गया, हम लोगों की मांग को दबाने का प्रयास किया गया, लेकिन हम लोग जनहित की लड़ाई माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में लड़ते रहेंगे, और उत्तर प्रदेश की सरकार को, जब जन विरोधी सरकार है, महिला विरोधी सरकार है, इसको उखाड़ फेंकने का। जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन।
world class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।